रोहन और रमा एक रात अपनी मोटरसाइकिल में घूम रहे थे। रोहन बड़ी तेजी से बाइक चला रहा था और गाना भी गा रहा था। मैं निकला बाइक लेकर रास्ते पर एक मोड़ आया, मैं अपनी बाइक वहीं छोड़ आया। आए, 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 हा, 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 हा। रोहन को गाना गाते हुए देख रमा बोलती है, तुम चुपचाप अपनी बाइक चलाओ रोहन, नहीं तो हम दोनों गिर जाएंगे। ज्यादा मस्ती मत करो, समझे? क्या करूं रमा, जब तुम मेरे साथ होती हो तो गाना गाने और मस्ती करने का ही मन होता है। लेकिन तभी उनकी बाइक चलते चलते रुक जाती है। अरे क्या हुआ रोहन, ये बाइक क्यों रोक दी तुमने? नहीं नहीं रमा, मैंने बाइक कहाँ रोकी है, देखो बाइक तो स्टार्ट है लेकिन आगे नहीं जा रही, पता नहीं क्या हो गया। रोहन की बाइक जहाँ थी वहीं रुक जाती है और उसकी बाइक के पहिए वहीं एक ही जगह पर घूमने लगते हैं। ये देखकर रमा और रोहन दोनों बहुत घबरा जाते हैं। तभी उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सुनकर रमा घबरा जाती है। रोहन एक काम करते हैं, बाइक यहीं छोड़ देते हैं। ये देखो कितनी भयंकर और डरावनी आवाज़ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन इससे पहले रमा और रोहन कुछ करते, एक भयानक राक्षस उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें खून के जैसी लाल थी और वो बहुत ही डरावना लग रहा था। उसे देखकर रोहन और रमा वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते एक स्कूल के गेट पर पहुँचते हैं। रोहन रमा से बोलता है, रमा जल्दी से स्कूल की घंटी बजाओ, नहीं तो वो राक्षस यहाँ आ जाएगा। रोहन के कहने पर रमा जोर जोर से स्कूल की घंटी बजाने लगती है। घंटी की आवाज़ सुनकर स्कूल का गेट खुलता है, लेकिन रोहन और रमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने वही शैतान खड़ा होता है। वो शैतान रमा को पकड़ लेता है। तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो ये शैतान तुम्हें भी मार डालेगा। कैसी बातें कर रही हो रमा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर रोहन शैतान को जोर से लात मारता है, लेकिन शैतान के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता और वो रोहन के सामने ही रमा को चीर चीर कर मार डालता है। रोहन ये देखकर रोने लगता है और गुस्से में बोलता है, दुष्ट, तूने मेरी रमा को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शैतान रोहन को भी गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और जब रोहन मर जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह स्कूल खुलता है। स्कूल के अंदर दो लाशें देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। तब तक वहाँ मैथ्स के टीचर भोलेनाथ आ जाते हैं और चौकीदार से बोलते हैं, चौकीदार कल रात तुम ड्यूटी पर नहीं थे क्या, जो ये लाशें यहाँ आ गईं? अरे साहब, हम तो पूरी रात स्कूल में ही थे, अब हमें क्या पता ये यहाँ कैसे आए और किसने मारा इन्हें। तभी वहाँ हिंदी की मैडम शोभा भी आ जाती हैं। चौकीदार की बात सुनकर शोभा बोलती है, अरे भोलेनाथ जी, अभी स्कूल के सीसीटीवी देख लेते हैं, पता चल जाएगा कौन यहाँ आया था रात में। शोभा के कहने पर सब लोग सीसीटीवी देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें उस रात कोई भी नहीं दिखता। ये देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आदमी स्कूल में आया और दो लोगों को मारा, लेकिन उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा है। कई बार देखने पर भी उन्हें रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं दिखता। तभी स्कूल के प्रिंसिपल प्रकाश वहाँ आ जाते हैं और रमा की लाश की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, ये तो मेरी बेटी रमा है, इसे किसने मारा? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है। शोभा प्रकाश के पास आती हैं और बोलती हैं, सर आप रोइए मत, पता नहीं इन्हें कौन मारकर चला गया, कोई सीसीटीवी में भी नहीं आया, क्यों ना हम पुलिस को बुला लें। पुलिस का नाम सुनकर प्रकाश घबरा जाता है और बोलता है, नहीं नहीं, इस स्कूल में पुलिस नहीं आएगी, मैं इस स्कूल की बदनामी नहीं करवा सकता। फिर प्रकाश के कहने पर स्कूल वाले मिलकर रमा और रोहन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। रमा की मौत के बाद प्रकाश बहुत चुप रहने लग जाता है। एक दिन शोभा और भोलानाथ एक साथ बैठ कर लंच कर रहे होते हैं। शोभा भोलानाथ से बोलती है, भोलानाथ जी, जब से उनकी बेटी रमा मरी है प्रिंसिपल सर बहुत चुप और दुखी रहने लगे हैं। सही कह रही हो शोभा जी, ऐसा ही होता है जब किसी बाप की जवान बेटी मरती है, क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी किस्मत है,
लेकिन मुझे अब तक एक बात समझ नहीं आ रही, पुलिस का नाम सुनकर प्रिंसिपल सर इतना घबरा क्यों गए थे? मुझे लगता है उनको इस हत्या के बारे में कुछ पता है। शोभा जी, आप भी ना, आपको तो सीआईडी में होना चाहिए। बिल्कुल जासूस की तरह सोचती हो आप। भला प्रिंसिपल साहब को क्या पता होगा, आप भी ना। ऐसा कहकर भोलानाथ वहाँ से चला जाता है। शोभा अपने कमरे में बैठकर पढ़ने लग जाती है, लेकिन तभी उसे भी गुर्रानी की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये गुर्रानी की आवाज कहाँ से आ रही है? स्कूल में कोई कुत्ता आ गया है क्या? लेकिन कुत्ते ऐसे तो नहीं गुर्राते। मैं जाकर अभी देखती हूँ क्या है ये माजरा। ऐसा कहकर शोभा आवाज की दिशा में बढ़ने लगती है। आवाज एक स्टोर रूम के अंदर से आ रही होती है। जैसे ही वो स्टोर रूम के पास पहुँचती है, आवाज तेज हो जाती है। अरे, ये आवाज तो इसी स्टोर रूम से आ रही है। लगता है कोई शैतान का बच्चा इस स्टोर में घुस गया है। ऐसा कहकर शोभा जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और उसके अंदर से गुर्राने की आवाजें आती रहती हैं। बहुत ही शरारती बच्चे हैं। देखो तो, इतना दरवाजा खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खोल रहे। एक काम करती हूँ, छुट्टी वाली घंटी बजा देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे बाहर नहीं आते। ऐसा कहकर शोभा स्कूल की घंटी बजाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो पहली घंटी मारती है, स्टोर का गेट खुल जाता है। देखा, पहली घंटी में ही खोल दिया ना गेट। चलो, जो भी कोई है बाहर निकलो। लेकिन स्टोर से वही शैतान बाहर निकलता है। उसकी आंखों से खून टपक रहा होता है। उसे देखकर शोभा घबरा जाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकलती। ये क्या हो रहा है? मेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? शैतान शोभा को पकड़ लेता है और मार डालता है और वहाँ से चला जाता है। शोभा को ढूंढते हुए भोलानाथ और प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाते हैं और शोभा के लाश को देखकर भोलानाथ बोलता है, प्रिंसिपल साहब, ये सब क्या हो रहा है इस स्कूल में? पहले बच्चे और अब शोभा जी, कितनी बुरी तरह से मारा है, जैसे कोई शैतान हो। अरे भोलानाथ जी, आप टीचर होकर कैसी बातें करते हैं? ये भूत प्रेत की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। ये सब फालतू की बातें हैं। ये कोई चोर होगा, आप चिंता मत करो, हम जांच करेंगे। ऐसा कहकर प्रिंसिपल साहब वहाँ से चले जाते हैं और अपने कमरे में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ उनका नौकर शामू आता है और उनसे बोलता है, मालिक, हो ना हो, ये मुझे वही राहुल का भूत लग रहा है जिसे हम लोगों ने मार कर यहाँ दफना दिया था। अरे शामू, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं, तुम घबरा गए हो। और हमने राहुल को मारा नहीं था, उसने आत्महत्या की थी। अब तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी वहाँ भोलानाथ आ जाता है और बोलता है, प्रिंसिपल साहब, मैंने आपकी और शामू की बातें सुन ली हैं। ये किसी ने भी किया हो, हमें मिलकर और लोगों को मरने से रोकना होगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे पूरी बात बताओ, ये सब क्या है? भोलानाथ जी, ये राहुल आपके आने से पहले यहाँ का चपरासी था। ये स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को छेड़ता था, इसीलिए मैंने एक दिन उसे जोर से एक थप्पड़ मार दिया, लेकिन वो मर गया। और मैंने और शामू ने मिलकर उसकी लाश को स्कूल के अंदर ही गाड़ दिया। पूरी कहानी जानने के बाद भोलानाथ, प्रिंसिपल और शामू उस जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने लाश को गाड़ा था, लेकिन वहां राहुल की लाश नहीं होती। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। शामू प्रिंसिपल से बोलता है, साहब, मैंने तो यहीं पर गाड़ा था उस दुष्ट की लाश को, लेकिन वो गायब कैसे हो गई? तभी वहां शैतान आ जाता है और बोलता है, वो लाश मैं ही हूँ। तुम लोगों ने मुझे मार कर दफना दिया। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद सबके शरीर से मांस नोच कर खाऊंगा। ऐसा कहकर शैतान शामू को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। मुझे बचाओ, बचा लो इस शैतान से, ये मुझे मार डालेगा।
शाम को मुसीबत में देखकर भोलानाथ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। जैसे जैसे हनुमान चालीसा आगे आगे बढ़ती है, शैतान का शरीर गलने लगता है और चालीसा के खत्म होते ही शैतान भी खत्म हो जाता है। एक बार की बात है, एक गांव जलेबी नगर में एक भयानक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल बहुत ही चटोरी थी, उसे जब भी मौका मिलता लोगों के घर में बना खाना खा जाती थी। एक रात गांव में दिनेश नाम का शराबी आता है और अपनी पत्नी मालती से कहता है, अरे मालती मालती डार्लिंग, जल्दी से खाना बना लो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, तुम्हारे बाप ने तो यहाँ होटल खोला हुआ है ना, ऑर्डर दे दो और खाना बनकर आ जाएगा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, ये आदमी तो मिला, वो भी निकम्मा शराबी। मालती की बात सुनकर दिनेश हंसने लगता है। मेरे राम प्यारी, निकम्मा कैसे बोल रही हो? ये लो पैसे पैसे पैसे, आज ही आए हैं मेरे पास। ऐसा कहकर दिनेश खूब सारे पैसे निकालकर मालती को देता है। मालती पैसे देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, इतने पैसे, मजा आ गया, ऐसे ही खूब पैसे लाया करो ना मेरे राजेश खन्ना। तुम रुको, आज मैं तुम्हें होटल से भी बढ़िया खाना खिलाती हूँ, बस तुम बैठो आराम से। ऐसा कहकर मालती रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। मालती के खाने की खुशबू चुड़ैल के पास पहुँच जाती है। अरे इतनी अच्छी खाने की खुशबू, लगता है किसी के घर में आज पार्टी है, चलो चलकर देखती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल मालती के घर पर जाती है। मालती खाना बना रही होती है। एक काम करके आती हूँ, बाहर से पान लेके आती हूँ, फिर खाना निकालती हूँ। ऐसा कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल किचन के अंदर जाती है और इतना सारा खाना देखकर खुश हो जाती है। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा, इतना सारा और बढ़िया खाना, इससे पहले ये औरत यहाँ आए मैं सारा खाना खा जाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल रसोई में बनाया हुआ सारा खाना खा जाती है और वहाँ से चली जाती है। मालती पान लेकर वापस आती है और रसोई में खाना ना देखकर जोरों से गुस्सा होकर बोलती है, इस आदमी को दो मिनट का भी सब्र नहीं है, शराब पीने के बाद पागल ही हो जाता है, सारा खाना खा गया, अभी मजा चखाती हूँ। ऐसा कहकर मालती दिनेश के पास जाती है और बोलती है, अरे कैसे इंसान हो जी तुम, किसी ने सही कहा है, शराब इंसान को ना पागल कर देती है, सारा खाना खा गए, अब मैं क्या खाऊं, तुम्हारा सर। मालती की बात सुनकर दिनेश हैरान होकर बोलता है, देखो मालती, मुझे जो भी कहना है कहो, लेकिन मेरी शराब के बारे में कुछ मत कहो, और देखो देखो मैंने कुछ नहीं खाया है। देखो तो भोले बंदर को, चलो रसोई में दिखाती हूँ तुम्हारी करतूत। ऐसा कहकर मालती दिनेश को किचन में ले जाती है। दिनेश किचन की हालत देखकर हैरान हो जाता है। अरे यहाँ तो सचमुच में कुछ नहीं बचा, लेकिन मालती मैंने सच में नहीं खाया है खाना। दिनेश की बात सुनकर मालती सोच में पड़ जाती है। अगले दिन मालती फिर से खाना बनाती है, लेकिन चुड़ैल आकर फिर से खाना खा जाती है। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। ये देखकर मालती और दिनेश परेशान हो जाते हैं। सुनो जी, कुछ करो, ये ना जाने कौन रोज रोज आकर खाना चोरी कर लेता है, ऐसे तो मेरे हाथ ही सूज जाएंगे रोज रोज खाना बनाकर। तुम सही कह रही हो मालती, हमें कुछ करना होगा। फिर मालती और दिनेश रसोई में खाना बनाकर रख देते हैं और छिप जाते हैं। थोड़ी देर में चुड़ैल वहाँ आ जाती है। फिर चुड़ैल बर्तनों को उठाकर खाना देखने लगती है और बोलती है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है आज का खाना, तो आज मैं पूरा खा जाऊंगी बर्तन समेत। ऐसा कहकर चुड़ैल खाना खाने लगती है। ये सब देखकर मालती बोलती है, ये तो चुड़ैल है जी, ये तो खाना खा रही थी अब तक हम लोगों का, अब क्या होगा, कहीं ये हमें ना मार डाले। मालती की बात सुनकर दिनेश बोलता है, तुम चिंता मत करो मालती, मैं कुछ करता हूँ, इस चुड़ैल को हम मजा जरूर चखाएंगे। हाँ। उधर चुड़ैल रोटी खाकर वहाँ से चली जाती है। दिनेश अगले दिन दवाई की दुकान से एक दवाई लेकर आता है और मालती को देते हुए बोलता है, मालती ये देखो चुड़ैल का इलाज, बस तुम ये दवा खाने में मिला दो, फिर देखो मजा, वो चुड़ैल जिंदगी में यहाँ कभी नहीं आएगी। दवाई देखकर मालती बोलती है, देख लो दिनेश, कहीं सब उल्टा ना पड़ जाए, वो चुड़ैल है, अगर उसे पता चल गया ना
तो वो हमारी जान ले लेगी जान। मालती की बात सुनकर दिनेश हंसने लगता है और बोलता है, तुम भी बहुत डरपोक हो। अरे कुछ नहीं होगा, बस मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, तुम ये दवाई खाने में मिला दो। फिर मालती खाना बनाकर उसमें दवाई मिला देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ चुड़ैल आती है और खाने का बर्तन खोलकर खुशबू लेते हुए बोलती है, आज लगता है कुछ स्पेशल बना है, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, आज तो पार्टी हो जाएगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सारा खाना खा जाती है और उंगलियां चाटते हुए बोलती है, आज तो मजा आ गया, क्या बढ़िया खाना है, सचमुच आज तो पार्टी हो गई। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। दिनेश और मालती बाहर आ जाते हैं। मालती दिनेश से बोलती है, क्या दांत दिखा रहे हो, क्या था उस दवा में? वो चुड़ैल तो और भी ज्यादा खुश हो गई खाना खाने के बाद, लगता है तुम मरवा के ही दम लोगे। मालती की बात सुनकर दिनेश हंसने लगता है और बोलता है, तुम घबरा बहुत जल्दी जाती हो डार्लिंग, अरे वो कोई मामूली दवा नहीं है, बल्कि पेट साफ करने की दवा है। उस चुड़ैल को अब सीधे दस्त लगेंगे। अब आएगा मजा। उधर चुड़ैल अपने पेड़ पर बैठी होती है, तभी उसके पेट में गुड़गुड़ होती है। आज लगता है जोश जोश में कुछ ज्यादा ही खा लिया है, लगता है जाना पड़ेगा निपटने। ऐसा कहकर चुड़ैल चली जाती है, लेकिन तब तक दवा अपना असर दिखाने लग जाती है और उसे दस्त लग जाते हैं। आए हाय, हाय रे मर गई, रे मर गई, आज तो मेरी हालत ही खराब हो गई है, पोटी जा जाकर पेट भी इतना दर्द हो रहा है कि क्या करूं अब। चुड़ैल अपना पेट पकड़कर बैठी होती है, तभी वहाँ एक दूसरी चुड़ैल आती है और बोलती है, अरे क्या हुआ बहन, तुम ऐसे कैसे बैठी हो, क्या हुआ, बीमार हो क्या? दूसरी चुड़ैल की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, अरे क्या बताऊं बहन, मेरी हालत खराब हो गई है, मुझे दस्त लग गए हैं, पता नहीं क्या हो गया है, तो घुटने जवाब दे गए हैं जा जा कर। चुड़ैल की बात सुनकर दूसरी चुड़ैल बोलती है, खाना खाने के बाद मुझे तो लगता है खाने में कुछ मिला था, लगता है जिसके यहाँ तुमने खाना खाया है उन्होंने ही तुम्हारे खाने में कुछ मिलाया है, तुम वहीं जाकर देखो। ऐसा कहकर दूसरी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चुड़ैल सोच में पड़ जाती है और बोलती है, अगर इस चुड़ैल की बात सच्ची है तो मैं उन दोनों की जान ले लूंगी, मुझे बेवकूफ बनाया, मैं अभी जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल दिनेश और मालती के घर की तरफ चल पड़ती है और वहाँ पहुँचकर मालती और दिनेश की बातें सुनने लगती है। दोनों जोर जोर से हंस रहे होते हैं। तुमने सही किया दिनेश, वो बेचारी सिर्फ थोड़ी रोटी ही तो खा रही थी, तुम्हें उसके खाने में दवा नहीं मिलानी चाहिए थी। मालती की बात सुनकर दिनेश कहता है, अरे अरे कुछ नहीं होता, उस चुड़ैल के बस की बात नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगी, अभी तो वो अपने पेट को संभाल रही होगी। दिनेश की बात सुनकर चुड़ैल को बेहद गुस्सा आता है और वो उनके सामने आकर बोलती है, तो ये सब तुम दोनों का किया धरा है, अरे मैं तो सिर्फ रोटी ही खा रही थी, वैसे भी भूखे को रोटी खिलाना पुण्य का काम होता है, लेकिन तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल दिनेश को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है और दबाने लगती है, लेकिन चुड़ैल दिनेश को नहीं छोड़ती। चुड़ैल जी मेरे पति को छोड़ दो, हम दोनों से गलती हो गई है, हमें माफ कर दो, हम गलत इंसान नहीं है। मालती की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, मैं भी तुम दोनों से मजाक कर रही थी, अगर मुझे मारना होता तो तुम दोनों को कब का मार डालती। ऐसा कहकर चुड़ैल दिनेश को नीचे उतार देती है और बोलती है, लेकिन हाँ तुम सचमुच खाना बहुत अच्छा बनाती हो, मैं तुम्हें माफ तभी करूँगी जब तुम मुझे अपने हाथों का बना खाना खिलाओगी। चुड़ैल की बात सुनकर मालती और दिनेश हंसने लगते हैं। मालती चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल जी आप तो मेरी बहन जैसी हैं, आगे से जब भी आपका मन हो आप हमारे घर आकर खाना जरूर खा लेना।